बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं शाही शिरकुरमा। तो आज अम्मी बनाने वाले हैं ईद स्पेशल शाही शिरकुरमा। तो मैं ऐसा क्या डालने वाले हैं जिससे वो शाही हो जाएगा? कुछ हट के कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे कि हमें आज शाही शिरकुरमा बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो तो सबसे पहले लेंगे हम दूध, सेवैया, काजू, बादाम, चारोली, मिल्क पाउडर, जाफरान, पिस्ता, छुआरे, घी, इलायची पाउडर और मिल्क मेड। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले बता दूं मैं 1 लीटर दूध का शिरकुरमा बनाने वाली हूँ। शाही शिरकुरमा 1 लीटर दूध का बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने ले ली हूँ यहाँ पे थोड़े से काजू, थोड़े बादाम, थोड़ा पिस्ता और यहाँ ली हूँ मैं चारोली। ये चारोली को ही चिरिंजी बोलते हैं और चारोली भी बोलते हैं। यहाँ मैंने 5 से 6 छुआरे ली हूँ जो कि मैंने 2 घंटे से दूध में भिगा के रखी हूँ। आप उसको पूरी रात भी भिगा के रख सकते हैं। यहाँ मैंने ली हूँ 3 बड़े चम्मच भर के मिल्क पाउडर ताकि ये अच्छे से क्रीमी बने, ठीक है। उसके साथ मैंने यहाँ पे ली हूँ सारे ड्राई फ्रूट जितने भी हमने कट करेले हैं वो सब मिक्स करके मैंने यहाँ ले ली हूँ। इसको मैं दूध में डाल के एकदम बारीक पेस्ट बना लूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो ये कट करी हूँ ये भिगा भिगा के सब कट करी हूँ छिलटे निकाल के, और चारोली के छिलटे निकालना बाकी है तो इसको हम भिगा के छिलटे नहीं निकालेंगे। इसको हम इधर फ्राई पैन में, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, इसमें हम ये ऐड कर देंगे। जिस तरह से हम सेंगदाने के छिलटे निकालते हैं ना भून के, उसी तरीके से मैं चारोली के भी छिलटे निकालती हूँ भून के, यानी कि चिरौंजी। हाँ, चिरौंजी। तो ये फटाफट छिलटे निकल जाते हैं, इसको भिगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये बहुत बारीक है। अगर आप भिगाओगे, अगर इसके छिलटे निकालने बैठोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। सबसे ज्यादा टाइम इसी का छिलटा निकालने में लग जाता है। तो यहाँ पर ये अच्छे से भून गई है, चढ़ करने लग गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब इसको अच्छे से 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर इसको हाथ के अंदर मसल के इसके पूरे छिलटे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से चारोली के छिलटे निकाल ली हूँ और यहाँ पे मैंने काजू, बादाम, पिस्ता, चारोली चारों चीज को मिला के 1-2 चम्मच दूध डाल के मैंने इसको बारीक पेस्ट बना ली हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं हमारी कढ़ाई पे। यहाँ हम डालेंगे थोड़ा सा घी, इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे हमारे ये काजू बादाम सब एक साथ हम डाल के इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ा। इसी में हम ये चारोली भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसको हमको जलाना नहीं है, इसको सिर्फ इतना तलना है कि ये कुरकुरे से हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से भून ली हूँ और ये अच्छे से कुरकुरे हो गए हैं, इसकी खुशबू आना चालू हो गई है, क्रंची हो गए हैं। तो हम इसको निकाल लेंगे, इसको ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट अच्छे से फ्राई करके निकाल ली हूँ। अब हम वही कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच घी और डालेंगे और इसी के साथ हम ये सेवैया जो हमने लेके रखे हैं ना, एक वाटी नहीं है, आधी वाटी से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको हम इसमें अच्छे से भून लेंगे। ये भी स्लो आंच पे ही भूनना, ज़्यादा फास्ट आंच करके नहीं भूनना, ये बहुत जल्दी से काली हो जाती है और कड़वी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेवइयों को अच्छे से भून ली हूँ 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पे, इसमें खुशबू आना चालू हो गई है। अब हम इसको उतार के साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे हमने एक बर्तन रख दिया है दूध गर्म करने के लिए, ठीक है। लेकिन हम इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा पानी। ये पानी हम इसलिए डालते हैं कि हमारा शिरकुरमा नीचे पकड़े नहीं या जले नहीं, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। अब इसको अच्छे से बॉईल आने देंगे। तो यहाँ पर दूध हमारा गर्म हो गया है, बॉईल नहीं हुआ है लेकिन दूध अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें से निकालेंगे 1 चम्मच और यहाँ पे डालेंगे हमने जो केसर लेके रखे है ना, इसमें डाल देंगे गर्म गर्म दूध। केसर में गरम दूध डालने से क्या होता है ना, उसका कलर अच्छे से निखर के आता है। और 1 चम्मच हम ले लेंगे यहाँ पे जो यहाँ पे हमने मिल्क पाउडर लिए है ना, इसमें डालने के लिए इस तरीके से।
अब हम यहाँ दूध अच्छे से बॉईल होने देंगे और एक चम्मच से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास खोआ मिल जाए तो खोआ लेके डाल देना, हमारे यहाँ खोआ नहीं मिला है हमको, इसके लिए हम मिल्क पाउडर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और कंडेंस मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी दूध का फ्लेवर ऑलरेडी रहता है, इसके लिए खोआ भी लेंगे और ये भी लेंगे और कंडेंस मिल्क भी लेंगे तो और अच्छे तरीके से क्रीमी क्रीमी आपका शिरकुरमा रेडी होगा, शाही शिरकुरमा। हाँ, शाही शिरकुरमा। तो यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर को अच्छे से घोल ली हूँ। हम पाउडर दूध में डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि गुठलियाँ जमने लग जाएगी, इसके लिए एक दो चम्मच हम दूध को अलग से निकाल के मिला लेंगे, ठीक है। अब इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे। तो यहाँ पर दूध अच्छे से गर्म हो गया है हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे ये छुआरे। ये जो छुआरे है ये अच्छे से भिगा के रखना। आजकल तो फैशन चला है कि इसको काट के डालेंगे, लेकिन हमारे ये पुराने ज़माने में जो लोग होते थे वो छुआरे अक्के ही डालते थे शिरकुरमे में, हमारे माँ बाप के ज़माने से। पहले तो, घर पे थे वो नहीं आते थे ना मेहमान। हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं बोल रहे, बहुत बड़ी बड़ी फैमिली हुआ करती थी जो एक दूसरे से मिलने जाती थी, और इतने छोटे छोटे टोपों में शिरकुरमे नहीं बनते थे उस टाइम पे, हमसे भी ज्यादा बनते थे, ठीक है। हमें वो टाइम सस्ता था ना, उस टाइम पे मेल मिलाप ज्यादा था, दिलों में मोहब्बत ज्यादा थी, तो दिन सस्ता भी तो था में पहले। तो यहाँ पर मैंने छुआरे अक्खे डाली हूँ, इसको हम बॉईल करेंगे, ठीक है। अब हम इसके साथ ही ये डाल देंगे मिल्क पाउडर जो हमने मिला के रखे थे। ये मिल्क पाउडर डालने से क्या फायदा है कि हमको जो दूध को है ना जो 20 मिनट 25 मिनट पकाना पड़ता है गाढ़ा करने के लिए, वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्रीमी क्रीमी और गाढ़ा खुद ब खुद हो जाएगा ये मिल्क पाउडर ऐड करने से। यहाँ पे आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं, ठीक है। मैंने दो पैकेट ली हूँ, वो 10 रुपए वाले पाउच आते ना वो, ठीक है। इसको हम अभी थोड़ा देर पका लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने खजूर डालने के बाद 4 से 5 मिनट तक अच्छे से इसको पका ली हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये जो जाफरान भिगा के रखे थे ना यहाँ दूध में, ये भी इसमें ऐड करेंगे अच्छे से, पूरा जाफरान निकाल के ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम इसको 1 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। तो 1 मिनट तक इसको अच्छे से बॉईल आ गया है। अब हम इसको हटा देंगे और ये सेवई वाला बर्तन हम रख देंगे। अब हम ये दूध इसमें ऐड करेंगे। ये इस तरीके से अब हम पका लेंगे इसको थोड़ा देर तक। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये मिल्क मेड। तो मैं इसका आधा यहाँ पर वाटी में निकाल ली हूँ डालने के लिए, ठीक है। आप अपने मिठास के हिसाब से डालना जितना आपको लगता है, मेरे घर में जरा मीठा ज्यादा खाते हैं। शक्कर नहीं डालेंगे ना वो? नहीं, आज शक्कर नहीं डालेंगे हम, बहुत ज्यादा मीठा इसी में हो जाता है, ठीक है। तो बस हम ड्राई फ्रूट है ना सबसे लास्ट में डालेंगे क्योंकि हमको थोड़ा सा क्रंची क्रंची रखना है, इसके लिए मैं ड्राई फ्रूट लास्ट में डालूंगी। और मैं ना इसको हमेशा फ्राई करके ना ईद वाले दिन अच्छा आधा किलो पूरा काट के फ्राई कर लेती हूँ घी में, और इस तरीके से मैं डब्बे के अंदर पैक करके रख देती हूँ, ठीक है, ताकि हम बासी ईद को मेहमान जो आते हैं ईद के बाद भी जो आते हैं ना, जो झटपट बनाने के लिए दूध मंगा लिए आधा लीटर बॉईल कर लिए, उसमें थोड़ी सी सेवइयां छोड़ के अच्छे से गरम कर लिए शक्कर वक्कर डाल के, और इसमें से डब्बे में से 2-3 चम्मच निकाल के डाल दिए और मेहमानों को सर्व कर लिए, वो झटपट वाली रेसिपी। अगर जिसको झटपट वाली सेवइयां देखना है मुझे बताना कमेंट्स करके, मैं आपको झटपट वाली आधा लीटर दूध की भी बना के बताऊंगी। तो यहाँ पर अच्छे से 2-3 मिनट अच्छे से बॉईल हो गया है। यहाँ पे मैं गैस करूंगी स्लो, और यहाँ पे मैंने जो काजू बादाम अलग से ली थी ना ड्राई फ्रूट सब मिक्स करके वो पीसी हुई है, ठीक है। अब हम इसमें डाल देंगे ये सबके लास्ट में ऐड करना, ये बीच में या स्टार्ट में बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये जलने का डर होता है, इसलिए सबसे लास्ट में जब आपका शिरकुरमा रेडी हो जाए लास्ट पे आपको दम पे रखना है थोड़ा देर के लिए, जब ऐड करना, ठीक है। अच्छा गाढ़ा गाढ़ापन आ जाता है इससे, और ये इलायची पाउडर लिए थे ना हमने ये ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हम ये ड्राई फ्रूट भी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा ये ड्राई फ्रूट जो मैं बोली ना फ्राई करके रखना डब्बे में निकाल के, ये चलता है ईद के बाद भी, ये 2 महीने तक खराब नहीं होगा।
अगर आप अच्छे से घी में इसको फ्राई करके एयर टाइट डब्बे में रख देंगे तो ये 2 महीने तक खराब नहीं होगा। ठीक है, आप कभी भी शिरकुरमा बना सकते हैं निकाल के। बस इसको एक बॉयल आने देंगे हल्का सा, फिर हम गैस करेंगे बंद। तो इसमें एक बॉयल आ गया है, माशाल्लाह मेरा शिरकुरमा बहुत मस्त, शाही शिरकुरमा में, शाही शिरकुरमा क्रीमी क्रीमी मस्त एकदम रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छे से गाढ़ा गाढ़ा। ठीक है, अब हम यहाँ पर गैस करेंगे बंद और इसको 1 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद हम सर्व करेंगे। तो दोस्तों तैयार हो गया अपना ईद स्पेशल क्रीमी क्रीमी शाही शिरकुरमा। हाँ, शाही शिरकुरमा एकदम क्रीमी वाला यार, सही में एकदम बोलते ना एकदम क्रीमी बना रहा है इसमें देख के, बोलते ना आहा रमजान में सही में रबड़ी भी फेल है इसके सामने, एकदम ठीक ठीक गाढ़ा गाढ़ा बोलते हैं एकदम थिकनेस उसकी दिक्कत आ रही की शिरकुरमा सही में ये अलग बना है। हाँ, है ना, 1 लीटर दूध में इतना बड़ा कटोरा भर के बना है और कढ़ाई में और है, और बचा है। बताओ 1 लीटर दूध में, नहीं तो कैसे पका पका के वो दूध आधा लीटर हो जाता है और शिरकुरमा फिर आधा लीटर। देखो हम तो ईद में ये नहीं खाएंगे, हम तो ये आज ही इफ्तार में लेके बैठ जाना। हाँ, तो आप लोग ईद में जरूर ये बोलते ना स्पेशल मेहमानों के लिए तो जरूर बना, जो वो ईद के बाद आते ना वो लोग खाली दूध गर्म करके देना, लो पियो यार। ईद के मौके पे शिरकुरमा बनता है तो ईद के मौके पे मेहमानों से मिलने जाना चाहिए। बहुत से हैं ईद के बाद आते, देखो अपने भी आते ना, हम भी जाते, मेरी बड़ी बहन के मैं भी जाती हूँ। देखो अपना घर बासी तेवासी पे चले जाते, बस वही टाइम रहता है बासी ईद या तेवासी। हाँ, लेकिन उसके लिए भी बनाना इतना मेहनत नहीं करता कोई भी ईद वाले दिन। जो शिरकुरमा मिलता है वो ईद के बाद पैसा नहीं मिलता, वो खाली थूक पट्टी वाला होता है, बॉयल दूध गर्म करके दे दो, सेवई डाल दो, काजू बादाम रहा तो काजू बादाम मिलेगी तो खाली सेवई आधी चम्मच में। नहीं, काजू बादाम जिस तरह मैं बताई ना आपको, जैसा फ्राई करके अलग निकालते हैं उसको एयर टाइट डब्बे में रख दो, आप महीना 2 महीना रख लीजिए दूध बॉइल कर। लेकिन यूज तभी करना जब कोई खास मेहमान हो। दूध डाल दीजिए गर्म करके मस्त, उसमें 2 चम्मच ड्राई फ्रूट डाल के आप अकेले बैठ के शिरकुरमा भी खा सकते हैं। हाँ, लेकिन सही में देखो ना माशाल्लाह, हमने इससे पहले भी बनाया है शिरकुरमा, बट ऐसा शिरकुरमा नहीं बनाया सच्ची में, ये एकदम गाढ़ा गाढ़ा है। ठीक है यार, आप आधी वाटी भी दे दोगे ना सामने वाले को, दिल खुश हो जाएगा इसका, ना मन है ना भर जाएगा। तो इसमें मिल्क मेड, फिर इसमें ड्राई फ्रूट पीसा हुए पूरे, फिर इसके बाद में मिल्क पाउडर है ना, फिर अपना दूध ही भैंस का था गाढ़ा वाला है ना, तो सब यानी शक्कर नहीं डाले, ऊपर से हमने इसमें खजूर भी डाले। हाँ, खजूर कौन कौन अक्खे इस तरीके से डाल के बनाते हैं मुझे कमेंट्स करके बताना। देखो आजकल तो मैंने बहुत कम देखी है, लेकिन हमारे माँ बाप के जमाने में सस्ता था, देखे थे, नहीं सस्ता नहीं था, हम जब छोटे थे तब हमारे घर में अक्खे खजूर इस तरीके से हमारी माँ रात भर दूध में भिगा के जब शिरकुरमा बनाते थे दूसरे दिन, तो इस तरह से अक्खे खजूर आते थे हमारे प्याले में। आजकल तो प्याले में से अक्खे खजूर ही गायब हो गए, 4 खजूर भिगा देते हैं उसके बारीक बारीक टुकड़े करके थोड़ा सा डाल देते खजूर नाम के लिए। और इसमें मैंने किशमिश बिल्कुल ऐड नहीं करी, किशमिश देखो डालने से क्या होता है ना, बनता बहुत अच्छा है लेकिन आप जगह पे खा लो तो अच्छा है, और 1-1 घंटा रखो, 2 घंटा रखो या 3 घंटा रखो तो भी चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा अगर टाइम आगे जाता है तो फ्रिज में रखना पड़ता है, बिना फ्रिज के रख नहीं सकते। किशमिश एक अपना ना हल्का सा खट्टा फ्लेवर छोड़ देती है और वो शिरकुरमा आपका फटने का डर होता है। हाँ, इसके वजह से मैं शिरकुरमे में ना ज्यादातर किशमिश नहीं डालती। कब डालती हूँ, जब थोड़ा सा बन रहा है जगह पे खत्म होने वाला है तो ही डालती हूँ इस तरीके। लेकिन माशाल्लाह सही में बहुत मस्त और गजब का बना है भाई, आप भी जरूर ये बनाना। अगर आप ये हमारी रेसिपी बनाते हो ट्राई करते हो तो आप हमें फोटो भी शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम की आईडी स्ट्रीट फूड जायका, मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो उसको ओपन करो और फॉलो करो। हाँ, मैं क्या बोल रहे थे, मैं बोल रही थी आज रियाज अफ्तारी इसी से करने वाला। हाँ, मैं पक्का आज इफ्तार में लेके बैठा, सच बताना कौन कौन मिस कर रहा है, कौन कौन मिस कर रहा है वो हमारा खाने वाला मोमेंट, वो खाने वाली मस्ती, वो टेस्ट जबान पे आना। थोड़ा ही दिन है, मैं तो सही में बहुत मिस करता हूँ सच्ची बोलूं तो, मैं ना फूड की तरफ ज्यादा देखता भी नहीं हूँ क्योंकि वो मन ना ऐसा बढ़ता जाता है। आप लोग तो वहाँ देख के तड़पते हो या तो मेरे सामने होती है वो चीज, लेकिन आप लोगों के साथ जो खा पी के मस्ती मजाक करता है ना वो भी मिस कर रहा है। हाँ, मैं खुद मिस कर रहा हूँ क्योंकि ये टाइम ना बहुत ही कम हो गया है जो हम लोग का ये फूड वाला होता है ना रिव्यू का टाइम। हाँ, और किस किस को ना 15 रोजे के बाद रोजे लग रहे हैं जरा सच्ची में। मैं आज अम्मी को ये बोल रहा था, 15 रोजे तक तो बहुत अच्छे से हंसते खेलते निकल गए, लेकिन जो 15 रोजे के बाद जो गर्मी बढ़ी है, जो हालत डाउन हुई है वो बहुत बेकार हुई है। रोजे लगना चालू हो गए, अब यकीन नहीं मानोगे, अभी हम लोग है 3rd फ्लोर पे जहाँ हमारी एसी रहती है, इतना गर्म हो रहा है एसी चल रहा है, हालत खराब हो रही है, अभी पसीना आ रहा है, एसी भी काम नहीं कर रही, मतलब वो भी गर्म ही भाप फेंक रही है।
तो भाई अभी बताना, फिर सजेस्ट करना नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कौन सा चाहिए। जैसे कि ईद के मौके पे अभी हमने बिरयानी भी ऑलरेडी डाल चुके, तो अभी हर कोई बिरयानी भी नहीं बनाता है, तो बिरयानी छोड़ के आप कौन सी चीज बनाना चाहोगे खाने में, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, तो हम वो बनाएंगे इंशाल्लाह जरूर, है ना। हाँ, कमेंट्स करते रहना, आपके कमेंट्सों का मेरे को इंतजार होता है। और लाइक करके जरूर जाया करिए, वीडियो देख के इसे आगे बढ़ाया करिए। हम भी क्या बोलने का मतलब है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो। जो हमारे चैनल पे नया है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया, प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और इस शिरकुर में को जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोग अपने आप भी पता के ट्राई कीजिए। एक बार बनाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। एक बार तो जरूर बनाना, एटलीस्ट अपनी फैमिली के लिए तो बना ही लेना। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। तब तक के अल्लाह हाफिज, बाय बाय। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना, रोजे अच्छे से जा रहे कि नहीं, फिर से एक बार कमेंट्स करके जरूर बताना।